सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपका एक छोटा सा कलाकार भाई सुजीत असलमपुरिया, जो कि तिजारा राजस्थान से हूँ। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब का जन्म कब और कहां पे हुआ था। सूबेदार रामजी राव सकपाल एक परिश्रमी, चुस्त और उदार हृदय व्यक्ति थे। वह बौद्धिक रूप से बहुत से सख्त और उद्यमी थे। रामजी राव सकपाल सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नति करते हुए सूबेदार मेजर के पद पर पहुंचे। अतः लोग उन्हें सूबेदार रामजी राव सकपाल के नाम से ही पुकारते थे। सूबेदार रामजी राव सकपाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े नामक छोटे से गांव के मूल निवासी थे। सन 1891 में सूबेदार रामजी राव सकपाल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू में तैनात थे। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म माता भीमाबाई की कोख से हुआ। 25 वर्ष की सेवा के पश्चात सन 1894 में सूबेदार रामजी राव सकपाल सेना से रिटायर होकर परिवार सहित बंबई में आकर रहने लगे। बालक भीम 5 वर्ष के थे, तभी गंभीर बीमारी के कारण उनकी माता भीमाबाई का देहांत हो गया। अल्प आयु में ही बालक भीम को मां की ममता और लाड प्यार से वंचित होना पड़ा। बालक भीम अपनी माता की मृत्यु पर कई दिन दुखी रहे और जब भी माता की याद आती तो वे देर तक रोते रहते थे। ये था बाबा साहब के जन्म की बारे में संदेश। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।